दिल्ली की सड़कों पर हरे पीले ऑटो तो बहुत सारे दौड़ते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर एक गार्डन वाला ऑटो भी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस ऑटो के ऊपर चलता फिरता गार्डन बना हुआ है। जिस तरीके से दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये ऑटो जो है उसके ऊपर बना हुआ गार्डन लोगों को किस तरीके से ठंडक दे रहा है, राहत दे रहा है। तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गार्डन वाला ऑटो, जिसके ऊपर बकायदा एक गार्डन बनाया गया है जो कि ग्रीनरी भी दिखा रहा है। और साथ ही साथ दिल्ली के तापमान में जिस तरीके से तेजी होती जा रही है, ऐसे में ऑटो में सफर करने वाले मुसाफिरों को ठंडक का भी एहसास दे रहा है। तो आज हम भी इस ऑटो में बैठकर देखेंगे कि किस तरीके से ये गार्डन वाला जो ऑटो है वो गर्मी में लोगों को राहत दे रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ऑटो में सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस ऑटो की क्या खासियत है ये आज हम आपको दिखाएंगे, और किस तरीके से ये बढ़ते हुए टेम्परेचर में आपको राहत देगा। तो मैं भी इस ऑटो के पास पहुंच गई हूँ, और ऑटो में जो ड्राइवर साहब है जिन्होंने कि ये पूरा गार्डन बनाया है, महेंद्र जी, वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये ऑटो में हम आ गए हैं और टेम्परेचर जो 48 से 49 डिग्री के करीब है, तो अब हम आपको इस ऑटो की खासियत दिखाएंगे। गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ आप देखें तो ऑटो में कूलर भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा होगा। और आप देखें तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो दिखाएं आपको ऑटो के अंदर का नजारा कि किस तरीके से यहाँ पर पंखा लगा हुआ है जो गर्मी में राहत देता है, क्योंकि जब हम ऑटो में सफर करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म हवा का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में ये पंखा ठंडी हवा तो देता ही है। साथ ही साथ आपको दो कूलर भी नजर आ रहे होंगे। घरों में तो हम गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाते हैं, लेकिन ऑटो के अंदर कूलर लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते टेम्परेचर में लोगों को राहत देता है। और जिन्होंने ये गार्डन बनाया है उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ महेंद्र जी हैं और हम चलेंगे इस ऑटो में और देखेंगे कि किस तरीके से ये गर्मी में हमें राहत देगा। तो महेंद्र जी से भी हम बात कर लेते हैं। पहले महेंद्र जी, ये बताइए, आपने ये गार्डन जो बनाया है कैसे आया आइडिया? ये मैं 2 साल से लगा रखा हूँ मैडम। ये गर्मियों में पूरा तपता था, बहुत गर्मी से मैं मतलब तपन हो जाता था, तो फिर मैंने सोचा कि पौधा लगा लेते हैं इसके ऊपर। एक दो बार पानी भी डालना पड़ता है इस पे, तो पौधा बिल्कुल ठंडा रहता है एकदम से। और एक तरह के पौधे नहीं, 25 तरह के पौधे, आप पौधा गिन भी नहीं सकते हैं, इतने पौधा है इसके अंदर। बिल्कुल 25 तरीके के पौधों की बात आप कर रहे हैं। तो आपने कहा कि गर्मी से राहत देने के लिए आपने ये बनाया, और जिस तरीके से देश की राजधानी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जब मुसाफिर यहाँ पर बैठते हैं तो क्या कहते हैं, किस तरीके का एहसास होता है, बात करते होंगे, पूछते होंगे? पहले तो मेरा फोटो बनाते हैं, वीडियो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, कहते हैं आपसे मैं इतना खुश हूँ कि आपने पौधा लगा रखा है, गाड़ी पूरी ठंडी है। फिर बाद में ये भी कहते हैं 20 रुपये मेरे तरफ से इनाम भी है आपका। अच्छा। कि ये मैं आप रखो, 20 रुपये मैं इनाम दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको गाड़ी देख के ना, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा गाड़ी नहीं देखा। अच्छा। मैंने बोला चलो हम तो पौधा लगा रखे हैं, पेड़ पौधा लगा रखे, आपकी गाड़ी फेमस हो रखी है वैसे ही। अच्छा। हाँ, ये चीज को तो आप, ये बताइए महेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे बिहार के रहने वाला हूँ, बेगूसराय जिला का। अच्छा। हाँ जी, यहाँ मैं गोपालपुर में रहता हूँ। अच्छा। तो दिल्ली कब से रहते हैं? मैं दिल्ली में 25-30 साल हो गए मेरे को रहते हुए। बिहार जाते हैं? हाँ जी। तो बिहार में जो आपके रिश्तेदार परिवार वाले हैं, और ये ऑटो जिस तरीके से आपने बनाया है, गार्डन बनाया है, आप कह रहे हो कि सेल्फी भी खींचते हैं लोग, मिलते भी हैं, तो वहाँ वाले, वहाँ रहने वाले लोग किस तरीके से कहते हैं, वो सोचते हैं कि हम भी बनाए ऐसा कुछ? मैं जो पूछते हैं मेरे को तो मैं बता देता हूँ उनको, ये बात नहीं, जितने ड्राइवर भाई पूछते हैं, कार वाले भी पूछते हैं, मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया कि मेरे गाड़ी पे आप लगा सकते हैं क्या? हम कह लगा तो दूंगा, लेकिन मैं ऑटो चला रहा हूँ। अच्छा। मैं तो ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं दिन भर ऑटो चलाता हूँ, ऑटो से काम करता हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताइए ये गार्डन कैसे बनाया, तैयार कैसे किया, क्या क्या प्रोसेस पूरा इसका? कुछ नहीं करना था, 2-4 बोरियां डाल दी इसके ऊपर में, मैं जब वैसे ठंडी की वजह से मैंने लगाया था कि बोरियां डाल दे, फिर उसके बाद मेरा दिमाग में आया कि पौधा लगाओ इसके ऊपर में। अच्छा। तो फिर मैंने पौधा ही सब पे लगा दिया, एक दो बार पानी डालना पड़ता बस, और कुछ नहीं करना होता इसके अंदर। तो कौन से खास पौधे लगाए इसमें आपने? इसमें आम का है, अमरूद का, टमाटर है, भिंडी है, केले का पेड़ है, मतलब धनिया है, जो भी बहुत तरह के पेड़ है, इतना आप गिन नहीं पाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल। तो ठंडक के लिए पौधे तो आपने लगाए हैं, आम, अमरूद, भिंडी भी लगाया है,
तो जब खाते भी है इसमें से मैडम, इसमें पालक भी है, पालक भी खाते हैं, भिंडी का भी है, जो तोड़ी का है तोड़ी भी, टमाटर भी फट गया था टमाटर खाते हैं इसमें से सारे पेट। मतलब ठंडक की ठंडक और सब्जी की सब्जी, सब्जी घर में यूज करते हैं हम खाते। आपने दो कूलर भी लगा रखे हैं? कूलर लगा हुआ ठंडा रहता है बिल्कुल गाड़ी में, पूरी एसी की तरह। आप बाहर का तापमान देखिए और हमारी गाड़ी में बैठ के देखिए आप कितना फर्क पड़ता है आपको। अच्छा, हाँ जी, तो फर्क पड़ता है। आपने कहा कि ठंडक भी देता है, साथ ही साथ खाने के लिए फल और सब्जियां भी देता है, और जब मुसाफिर यहाँ बैठते हैं तो खुशी से पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, फालतू दे जाते हैं वो खुशी से। अच्छा, तो आपने कहा कॉल आते हैं आपके पास, हाँ, तो क्या ऐसे और भी गार्डन बनाने के लिए किसी ने बनाया या किसी ने पूछा या आपने उसको मदद किया? आपने कहा कि बहुत सारे कॉल आते हैं। मेरे पास कॉल आते हैं, जैसे कार्ड वाले हो गए, कोई ऐसे बोलते हैं भैया आप मेरे गाड़ी पे आप पौधा लगा सकते हो। मैंने बोला कि मैं लगा दूंगा लगा, लेकिन मैं ऑटो चला रहा हूँ भाई। हाँ। मैं देखो ऑटो काम कर रहा हूँ, ऑटो चला रहा हूँ तो मैं पौधा कैसे लगा पाऊँ। उन्होंने हाँ। बोला भी कि आपका जो खर्चा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, खर्चा कितना लगा इसमें? खर्चा कितना लगा इसमें? कोई खर्चा ही नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं मैडम, इसके अंदर बिल्कुल फ्री ऐसे मैंने ऐसे लगाया हुआ। अच्छा, हमने देखा सड़कों पे हमेशा लिखा रहता है कि हरा भरा बनाए, हरियाली करे, तो एक संदेश भी दे रहे हरियाली का, लगाओ जीवन बचाओ। ये तो सरकार का कहना भी है, देखो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। बिल्कुल, तो यहाँ पर बिहार बेगूसराय के रहने वाले महेंद्र जी जो दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, उनका कहना है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संदेश तो वो दे ही रहे, क्योंकि सरकार भी लगातार हरियाली बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करती रहती है और ये भी एक जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार दिल्ली में टेम्परेचर हाई देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे में ये गार्डन वाला जो ऑटो है मुसाफिरों को ठंडक का तो एहसास दे ही रहा है। और अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो भी ऑटो में बैठे और हम भी थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ऑटो है वो हमें ठंडक का एहसास देता है। तो मैं महेंद्र जी से कहूंगी कि कैमरा पर्सन भी बैठे हमारे और हम इसमें थोड़ा सा राइड करके देखेंगे कि कितनी ठंडक मिलती है और कितना ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि एसी वाली कारें तो हमने बहुत सारी देखी हैं, लेकिन कूलर पंखे वाला जो ऑटो है वो भी हम अब आज देखेंगे। तो अब हम चलते हैं ठंडक के सफर पर और मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि वो भी बैठ जाए इसमें और आपको दिखाएं और वो भी एहसास करें। तो फिरोज आप भी हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी में ठंडा, ये तो यूनिक है अपने आप में। बिल्कुल, और ऐसे इनोवेशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो फिरोज भी कह रहे हैं कि यूनिक है और ऐसे इनोवेशन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो हम भी इस गार्डन वाले ऑटो में सफर पर निकल चुके हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ऑटो में जिस तरीके से ये गार्डन बना हुआ है उससे अंदर का टेम्परेचर सच में बहुत ठंडा है और गर्मी के मौसम में हम आराम से इस गार्डन वाले ऑटो में सफर कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ, इसी मोटिव के साथ इन्होंने ये इनोवेशन किया है महेंद्र जी ने, तो हमने भी सफर का आनंद लिया। और ये जो गार्डन वाला ऑटो है वाकई में बढ़ते हुए टेम्परेचर के बीच लोगों को राहत देने वाला है। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।